दीपावली के मौके पर अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत से कोहरा मच गया। सड़क किनारे पटाखे जला रहे एक 22 साल के युवक को स्कॉर्पियो गाड़ी ने रौंद दिया। इस हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में जुटी है। घटना अमेठी कोतवाली क्षेत्र के मुंशीगंज रोड की है। मुंशीगंज रोड पर कुछ लोग बीच सड़क पर पटाखे जला रहे थे। इसी बीच एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क के बीच में खड़े युवक को टक्कर मार दी और फरार हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक की गंभीर हालत देखते हुए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। ट्रॉमा सेंटर ले जाते समय बीच रास्ते में युवक की मौत हो गई। मृत युवक की पहचान शुभम अग्रहरि के रूप में हुई। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे का नाम शुभम अग्रहरि है। ये बच्चा आपका कौन था? मेरा बेटा था। क्या हुआ? घटना ये हुई, मौके में मैं नहीं था, मैं बाहर था। जो मोहल्ले थे सब वो ये बताए कि गाड़ी बहुत स्पीड में आई और इसको बगल से पूरा टक्कर मारा, उड़ा के पूरी चली गई। ये लोग तुरंत लेके मुंशीगंज हॉस्पिटल भागे, वहाँ 10-5 मिनट हुआ, उसके बाद जो है रेफर कर दिया लखनऊ के लिए। लखनऊ ले जाते समय हैदरगढ़ तक पहुँचे ही नहीं, एक्सपायर हो गया बेटा। कौन का किसकी गाड़ी थी कुछ पता चल पाया? गाड़ी स्कॉर्पियो थी ये। अतुल सिंह अमित सिंह है। अमित सिंह था लड़का जो चला रहा था। अब बम्पर दारू पिया हुआ था। पहले यहाँ चौक से टकराते हुई गई। आप लोग की मांग क्या है? क्या चाहते हैं? अपराधी को सजा मिले, बच्चा तो लौटा नहीं देंगे। इस दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। हादसे के बाद व्यापारी नेताओं ने भी प्रशासन पर आरोपियों को पकड़ने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। 10:30 बजे के आसपास लोग अपने घर के किनारे खड़े थे, कुछ बच्चे पटाखा जला रहे थे। इसी बीच सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो लहराती हुई, स्पीड लोग बता रहे हैं कि 100 के ऊपर थी, वो बच्चे को एकदम किनारे खड़ा था, इसको मारा और 50 मीटर तक घसीटती हुई ले गई। और इसके बाद आगे एक भल्लू सिंह नाम का आदमी मोटरसाइकिल पे खड़ा था, उसको भी मारा। यद्यपि उसको चोटें तो बहुत आई हैं, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि 22 साल का लड़का काल के गाल में समा गया। और मैं यही निवेदन करूंगा पुलिस प्रशासन से कि शराब पी करके ड्राइविंग करने वालों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए अभियान चलना चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी शराबखोर को किसी की त्यौहार, किसी की ज़िंदगी, किसी के परिवार में अंधकार करने का कोई अधिकार नहीं। इतना ही नहीं, हादसे के बाद तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार कुछ दूर जाकर एक दूसरे युवक को भी टक्कर मार दी, जिससे दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार गाड़ी लेकर तेजी से फरार हो गया, लेकिन पटाखे जलाने का वीडियो बना रहे कुछ युवकों के कैमरे में हादसे की तस्वीरें कैद हो गयी। बताया जा रहा है कि गाड़ी अमेठी कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास में रहने वाले एक व्यक्ति की है, तथा उसको चलाने वाले की पहचान वहां पर उपस्थित युवकों के द्वारा भी की गयी, जिसके आधार पर नामजद तहरीर पुलिस को दी गई। अमेठी के मुंशीगंज के इस युवा को क्या मालूम था कि ये दीपावली उसके लिए आखिरी दीपावली होगी। पूरे परिवार के साथ वो आतिशबाजी का मजा ले रहा था,
सड़क पे जो है वो फुलझड़ियाँ चला रहा था, चटाई जला रहा था, अचानक एक तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने पूरे घर में मातम ही मातम छा दिया। उस युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने उस स्कॉर्पियो को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन अज्ञात गाड़ी के खिलाफ अमेठी के मुंशीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसी दीपावली किसी को देखने को न मिले। शरद कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी न्यूज़, अमेठी।